क्या चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमारा चैनल डेड हो जाता है और हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आते। शॉर्ट वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर करवाइए या लोग 1000 सब्सक्राइबर 365 दिन में आपका होना चाहिए। तो व्यूज डाउन हो जाता है, चैनल डेड हो जाता है, चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर डाउन होते हैं, सब कुछ डाउन हो जाता है। हेलो गाइस, मैं चंद्रेश, आप देख रहे हैं चंद्रेश टेक। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आप लोग देख लिए हैं, क्या चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमारा चैनल डेड हो जाता है, हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आते। तो आज की वीडियो में बने रहे वीडियो के लास्ट तक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का यही टॉपिक है कि क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमारा चैनल डेड हो जाता है और हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आते, तो ये कितना सच है कितना झूठ है, तो आज की वीडियो में सब कुछ प्रॉपर बताऊंगा। दोस्तों वीडियो की स्किप ना करके देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पर होना चाहिए। जो लोग नहीं जानते, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि कितना वॉच टाइम चाहिए, कितना सब्सक्राइबर चाहिए, और जो शॉर्ट वीडियो का सब्सक्राइबर होता है और लॉन्ग वीडियो का सब्सक्राइबर होता है वो सेम जोड़ा जाता है। दोस्तों ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर शॉर्ट वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर आपका हो जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कई लोग हमारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो का और लॉन्ग वीडियो का एक ही होता है या नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं, या शॉर्ट वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर करवाइए या लॉन्ग वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर, और दोनों से अगर सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर 365 दिन में आपका होना चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका होना चाहिए, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। दोस्तों अभी 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा तो अब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और मोनेटाइज होने के बाद दोस्तों, जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, यहाँ पर मेरे किसी किसी के चैनल पर दोस्तों व्यूज डाउन हो जाता है, चैनल डेड हो जाता है, चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं, और कोई कोई चैनल होता है कि मोनेटाइज होने के बाद बूस्ट हो जाता है, उनके चैनल पर व्यूज भी आने लगते हैं, सब्सक्राइबर भी आने लगते हैं, और वहाँ पर इंप्रेशन भी बहुत तगड़ा भेजने लगता है। दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रियलिटी, यहाँ पर कुछ सच है कुछ झूठ है, क्योंकि किसी किसी के चैनल पर व्यूज डाउन होते हैं, सब्सक्राइबर डाउन होते हैं, सब कुछ डाउन हो जाते हैं, और किसी किसी के चैनल पर ऐसा नहीं होता। दोस्तों बात करते हैं डाउन क्यों हो जाता है। अगर अपने चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस नहीं अपलोड करेंगे, रेगुलर नहीं वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, 10 दिन 5 दिन वीडियोस नहीं ला पाते, तो कॉमेडी वाला जो चैनल होता है वो तो मैं जानता हूँ दोस्तों, वहाँ पर डेली वीडियो नहीं आ सकता। कॉमेडी एक मंथ में, दो मंथ में, एक हफ्ते में, एक वीक में, तो एक दो वीक में तो आ ही जाता है कॉमेडी। और जो ये जैसे टेक रिलेटेड वीडियो है, यहाँ पर ड्राइंग रिलेटेड वीडियो है, ये सब जितने भी चैनल्स हैं, छोटे छोटे जितने भी चैनल्स हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो लाना चाहिए। दोस्तों अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, अपने चैनल पर नहीं काम कर रहा है, तो काम करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपका सब कुछ डाउन हो जाएगा। दोस्तों व्यूज, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, सब कुछ वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर अपने चैनल को संभालना चाहते हैं, जो आपके चैनल को सब्सक्राइब किया वो कंटेंट अगर देंगे तो आपके वीडियोस पर व्यूज आएगा। जैसे कि आप लोग चैनल को, न्यू चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, अब मैं उससे रिलेटेड वीडियोज बताऊंगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर पूरा कैसे करेंगे, और अपने चैनल को मतलब ग्रो कैसे करेंगे। आपको एक जो मैं अपने चैनल पर एक्सपीरियंस लिया हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको आराम से बताऊंगा। दोस्तों कोई झूठ बात नहीं बताऊंगा आपको, मतलब इसीलिए मैं डेली वीडियोस लाता हूँ, एक दिन में छोड़ के एक दिन, मतलब जैसे आप ला पाते हैं, जैसे एक दिन अगर छोड़ के लाना चाहते हैं तो एक दिन छोड़ के लाइए, लेकिन एक मतलब समय होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कि उस टाइम पर, उस समय पर मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा और इतने दिन में, दो दिन में, तीन दिन में मेरा वीडियोस बन के तैयार हो जाएगा, मैं 3 दिन में रेगुलर वीडियोस ले आऊँगा, या 4 दिन में रेगुलर वीडियो ले आऊँगा, या 2 दिन में। तो यहाँ पर अपने आप पर चैलेंज रखना होगा कि मैं 2 दिन में वीडियो कन्फर्म है अपलोड कर दूंगा, तो आपका चैनल डेड नहीं होगा। दोस्तों अब दोस्तों कई लोग होते हैं कि यहाँ पर मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रखते, वीडियो डेली नहीं अपलोड करते, कंटेंट चाहे जो उठा के डाल देते हैं, इसीलिए उनका चैनल, सब्सक्राइबर, सब कुछ डाउन होता चला जाएगा और उनका चैनल डेड हो जाता है। दोस्तों तो इसीलिए ये सब गलती आपको नहीं करना है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है या मोनेटाइज हो गया है तो आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना चाहिए, और वहाँ पर आप जैसे जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वैसे वैसे आपके चैनल पर ऐड आएंगे, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे और पैसा भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ आपका प्रॉपर मेंटेन रहेगा। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना चाहिए और रेगुलर वीडियोस बनाना चाहिए, इससे आपका बोलने का एक्सपीरियंस भी सुधर जाएगा। कई सारे भाई हैं जो हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, तो दोस्तों आप लोग इतना सारे कमेंट करते हैं और अच्छे अच्छे अगर कमेंट करेंगे तो मैं अन्य वीडियो ले आऊँगा अगर आप लोग कमेंट भी बोलेंगे, लेकिन मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं देता हूँ। अगर एक भाई का रिप्लाई दे देता हूँ तो हर किसी का रिप्लाई देना पड़ेगा। दोस्तों तो इतने सारे अगर आप लोगों का रिप्लाई मैं दूंगा तो अपना टॉपिक, अपना थंबनेल, अपना टाइटल, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा। दोस्तों मैं ही थंबनेल बनाता हूं, मैं ही वीडियो बनाता हूं, मैं ही एडिट करता हूं, सब कुछ मैं ही अपलोड करता हूं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। दोस्तों गाइस, इन्फॉर्मेशन कैसा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ।